उन पे अंधा भरोसा मत करो। सबसे रद्दी काम अगर कोई कर सकता है ना गाड़ी के साथ, वो ये काम हो सकता है। सर्विस एडवाइजर आपको चिपकाने की कोशिश करेगा। मैंने अभी तक अपनी गाड़ी की काफी सर्विसेज कराई हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, आपको काफी सारा मैं बता सकता हूँ। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके मेरे नॉन जो लोग हैं, जब वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो एक भाई के नाते मेरे को भेज देते हैं कि भाई सर्विस एडवाइज़र ने हमें ऐसा ऐसा पर्चा फर्रा बना के दिया है कि आपकी गाड़ी में सर ये काम होगा। तो मुझे कहते हैं कि भाई तुम एक बार देख के बता दो क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। उनको मैं बता देता हूँ, उनके 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। आपको मैं एक वीडियो बना के बता देता हूँ कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है। सबसे पहले गाड़ी की सर्विसिंग कराने से पहले अपनी गाड़ी के मैनुअल, यूज़र मैनुअल जो बुकलेट आती है उसको चेक किया करो। आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी है मत देखो, इस चीज़ के लिए ज़रूर देख लो आपकी गाड़ी के। मेरे को नहीं पता ब्रेजा के कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, मेरे को पेज नंबर नहीं याद है, मेरे को बस इतना पता है। ठीक है, आपको मैं एक हैक बता देता हूँ। आप सपोज आपने मैनुअल वाला पेज खोल लिया, उस पर अगर किसी भी चीज़ वो सर्विस इंटरवल लिखा हो रहता है इतने किलोमीटर वाली, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, अगर किसी पार्ट के आगे CNT लिखा हुआ है, चेक एंड टाइटन, वो पार्ट आपका सिर्फ चेक होएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ लेवल टॉप अप करेंगे और उसको टाइट कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ है, कोई नट टाइप है। अगर लिखा हुआ है उस पर R, उसका मतलब है वो चीज़ रिप्लेस होगी, वो चीज़ को आप नहीं अवॉइड कर सकते, वो करके ही देंगे रिप्लेस। मारुति में खासकर ये है 20, 40, 60, ये जो इवन नंबर वाली जो सर्विसेज हैं इनमें ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, आप इनको नहीं मना करवा सकते अगर आपको वारंटी अपनी इंटैक्ट रखनी है, बाकी आपकी जान पहचान के ऊपर, अगर मान गए तो ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर में अपना कटवाने से आप कैसे बचेंगे, कैसे आप सेफ रहोगे, अपना पैसा भी बचा लोगे और फुद्दू नहीं बनोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, आपकी मैनुअल आपने देख ली, देख के जाना, लिस्ट बना के जाना कि ये चीज़ होगी और इसके अलावा मेरे को कुछ भी काम नहीं कराना है। नंबर वन चीज़, लुब्रिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। 250 रुपये की लुब्रिकेशन पता है क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये दरवाजे हैं, ठीक है, मान लो क्या है ही दरवाजे, तो हिंजेस, इनमें ग्रेसिंग करेंगे, यहाँ ग्रेसिंग लगाएंगे, चारों दरवाजे हो गए, 250 रुपये भाई साहब, 250 रुपये, 250 रुपीज़ ओनली कहेंगे सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक लुब्रिकेशन के लिए या तो स्प्रे ला के रख लो, ग्रेसिंग ला के रख लो, बहुत ही सस्ती पाउचेज आते हैं, वो ला के रख लो, आप 250 रुपये यहाँ आराम से बचा सकते हो। सेकेंड चीज़, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग आर नॉट कंपल्सरी, आपको सर्विस सेंटर से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं मैनुअल में नहीं लिखा है, आप वो बाहर से करा सकते हो, आपको सस्ती भी पड़ेगी, बढ़िया भी करेंगे। सर्विस सेंटर में आज तक मैंने जितनी भी बार अलाइनमेंट करवाई है उन्होंने कभी मेरे को कमी नहीं बताई कि हाँ सर ये इतना कैम्बर आउट था, इतना आपका टो इन टो आउट था, कभी नहीं बताया उन्होंने, यही कहा चढ़ाई गाड़ी सर, ठीक है उतार दी, उसके पैसे ले लिए, ये होता है। तो आपको ये सब चीज़ें आप अवॉइड करवा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। और बाकी पेपर मैट, जैसे मान लो मेरी गाड़ी में, ठीक है, ये पेपर मैट रखा हुआ है, 1-2 रुपये का है, लेकिन भाई टोटली यूज़लेस है ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए काम होता है अगर आपके पैर गीले हैं, ये पानी को सोख लेगा, फिर आपके जूते ठीक है, मैट को गंदा नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, ड्राइवर साइड ये एकदम ही यूज़लेस है, उल्टा आपकी दिक्कतें बढ़ाता है, पैर छप 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 छप, वो कागज़ मुड़ेगा, वो ब्रेक पैडल के नीचे आता है, इकट्ठा हो जाएगा, रेत मिट्टी उल्टा ज़्यादा कर देता है सूखने के बाद। इनको तुरंत फेंको और उनको बोलो कोई भी चीज़ मेरे पूछे बगैर मेरी गाड़ी में मत करना, जो मैंने बोला है। सर्विस एडवाइज़र क्या करता है, जो गाड़ी में काम होगा ना उसकी पहले आपको एक लिस्ट बना के देगा, एस्टिमेशन बना के देगा कि इतना खर्चा आएगा सर, इस पर साइन कर दो, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी गाड़ी में ये काम होने वाला है, वो उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर इसके अलावा वो कोई भी काम, जब आप बिलिंग करवाते हो, सर मैंने तो ये भी कर दिया आपकी गाड़ी में, मैंने ये साइड प्रोटेक्टर दरवाजे पर लगा दी, भाई किससे पूछ के लगवाए, आप छाती ठोक के कह सकते हो मैंने इनके लिए नहीं बोला था, ना ये उस पेज में थे, मैं इनके पैसे नहीं दूंगा, उतारना है तो उतार लो अपने, मेरी गाड़ी से उतारो, और ज़बरदस्ती क्यों लगा दिए, उल्टा उनको भरपाई करनी पड़ जाएगी। तो जो चीज़ आपकी मर्ज़ी के बगैर हुई है उसके पैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगला, गाड़ी पे पॉलिश मत मरवाओ यार। वो क्या करते हैं, पॉलिश की एक बॉटल लेंगे, बिस्लेरी की, बिल्सेरी की खाली, और आगे उसके हवा वाली नोज़ल लगाएंगे और सारे इंजन बे में मार देंगे। सबसे रद्दी काम अगर कोई कर सकता है ना गाड़ी के साथ, वो ये काम हो सकता है कि आप सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी पे पॉलिश मरवाते हो, उल्टा आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, कि वो उल्टा मिट्टी पकड़ती है, उसको उतारने में भाई मेरी ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है। तो मैं अपनी चाहे बाइक हो चाहे अपनी गाड़ी हो कौन सी कोई सी भी, मैं उनको बता देता हूँ मेरी गाड़ी पे यार प्लीज़ पॉलिश मत मारना, ना अंदर ना बाहर, बहुत थर्ड क्वालिटी की होती हैं क्योंकि बल्क में वो लेकर आते हैं, पानी पता नहीं कैसी तो होती हैं,
बहुत क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं उनके पास तो बल्क में लाते हैं, ख़राब चीज़ रहती है। तो अब उनको बोलो कि मेरी गाड़ी में पॉलिश मत मार मेरे भाई, टायर पे भी मत लगवाना, बहुत मिट्टी पकड़ती है, इससे अच्छा खाली एक साफ़ कपड़ा लगवा लो, गाड़ी आपकी चमकेगी। एक और चीज़ ये है, हर बार एयर फिल्टर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने काफ़ी पहले बोला हो, अभी एक चेंज में अमेंडमेंट एक नई आई है, अगर आपकी गाड़ी एक ऐसे शहर में चलती है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं है, दिन की रनिंग बहुत कम है, साल में एक बार सर्विसिंग, साल तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपकी रनिंग बहुत ही सही है, ज़्यादा हार्श ड्राइविंग नहीं करते हो, धूल मिट्टी नहीं है, तो आप अगली सर्विस पे गाड़ी के फ़िल्टर में हवा मरवा सकते हो, उसको मान लो 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज करा लेना, ठीक है। अगर लेकिन ये वही चेक करना पहले, अगर वो पूरे धूल मिट्टी में सना हुआ है, काला हो गया, तो उसको फिर चेंज कराओ, किसी भी वजह से हुआ उसको फिर चेंज कराओ। एसी फिल्टर हमेशा अपना एक बार चेक ज़रूर करवा लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्विस एडवाइज़र आपको चिपकाने की कोशिश करेगा। इनमें नंबर वन पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ अंडर बॉडी कोटिंग। उसका देखो फ़ायदा अगर है, कोस्टल एरियाज़ में रहते हो, ज़्यादा पानी के अंदर चलती है, पानी जैसे कभी मान लो मुंबई में रहते हो या कुछ ऐसे सिटीज़ जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नाले गड्ढे काफ़ी ज़्यादा भरे होते हैं, आई रिकमेंड गेट योर अंडर बॉडी कोटेड, ठीक है, वो करा लो, लेकिन कहीं से भी करा लो, अच्छी करके देंगे। तो मेरा ही कहना है कि वो फालतू में चिपकाने की कोशिश करते हैं, अगर आपका मन है तो उनसे करा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाहर से भी करा सकते हो, उनके टैक्सेस वैक्सेस मिला के ना काफ़ी महंगी पड़ जाती है, 2,500-3,000 की पड़ जाती है। ब्रेक पैड्स रिप्लेसमेंट के लिए आपको शायद वो फोर्स कर सकती है, सर ये अभी चलेगी अभी और मान लो 4,000-5,000 किलोमीटर चलेगी, अभी करा लो ना, अभी ब्रेक गाड़ी के खुले हुए हैं, क्यों कराने, अगर 5,000 और चल रही है तो ठीक है, करवा लेंगे सर। और ब्रेक पैड्स का तो मैं ये कहता हूँ, चूँकि ये चीज़ वारंटी में कवर्ड नहीं होती, आप बाहर से भी करा सकते हो। मैं अपनी गाड़ी के अंदर ब्रेक पैड्स बाहर से डलवाता हूँ, लेकिन मारुति के ही जेन्युइन वाले, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लेबर बहुत सस्ती पड़ती है, अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे वो खींच लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप उनसे बच सकते हो। एक और चीज़, उन पे अंधा भरोसा मत करो, ठीक है, कोई भी पार्ट हुआ है, कोई भी चेंज हुआ है, उस पर एक नज़र मारो, उसके नट टाइट हैं कि नहीं। एक बार ऑल्टो के मैंने बोनट के हिंजेस चेक कराए थे, तो जो वॉशर फ्लूइड है उसकी पाइप निकली हुई है, एसी ठीक करवाया था तो उसका कंप्रेसर का नट लूज़ पड़ा है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसकी लाइट चेंज कराई तो इसका सॉकेट निकला हुआ है, इसके नट लूज़ पड़े हैं। ऐसा मत मानो कि सर्विस मान लो सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर है तो बहुत ही बेहतरीन काम करके दिया है, भाई आपका मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे लोग हैं नो डाउट, कोई कमी रहेगी तो दोबारा ठीक करके देंगे, लेकिन अगर नज़र मार ले रहे हो तो अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनका भी नहीं करोगे, फ्यूल भी वेस्ट नहीं करोगे। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है, वो कमी आप देख रहे हो, उसका वीडियो बना के लेके जाओ, क्योंकि जैसे अभी मेरी गाड़ी में इंडिकेटर्स वाली प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ ब्लिंक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइट चेंज हुई थी इंश्योरेंस क्लेम में, तो बहुत तेज़ अंदर ब्लिंक हो रहा है लेकिन बाहर इंडिकेटर ही नहीं काम कर रहा है, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली, क्योंकि कभी वो काम कर रहा है, कभी वो नहीं कर रहा है। और ये भी एक फैक्ट है, फ़नी फैक्ट है, 70% कार्स जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो उनकी कमियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं, वहां पे जाके मुंह ताकते रहते हो मिस्त्री का, यार ये दिक्कत तो थी, अभी नहीं कर रही है आपके सामने, तो वीडियो उसका बना लो एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस, तो मेरे पास है, मैं उसको जाके दिखाऊंगा कि देखो ये मेरी गाड़ी के इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं, ताकि वो ये नहीं कहेगा कि सर देखो हमारे पास तो नहीं कर रही, अब हम क्या कर सकते हैं, आप फिर आइएगा। तो कम से कम नहीं तो 10-15 किलोमीटर में तो रहता है सर्विस सेंटर, तो आपका मान लो काफ़ी टाइम पैसा फ्यूल ये सब वेस्ट होगा, तो एक वीडियो बना लिया करो। अगला, आपको सिंथेटिक ऑयल चिपकाने की कोशिश करेंगे, सर इससे गाड़ी तेज़ भागेगी, गाड़ी का इंजन सही रहता है, तो उनको बोलो अगर सिंथेटिक से ही इतनी अच्छी रहती है तो आप लोग कंपनी मिनरल ऑयल क्यों डाल के देती है, कंपनी हमेशा मिनरल ऑयल डाल के देती है। नॉर्मल इस गाड़ी का कितना 1200 रुपये का इंजन ऑयल आता है, 3 लीटर 3.3 और 3.5 लीटर 0W20 रहता है, ठीक है, तो अगर वो कंपनी खुद इसमें डाल के दे रही है सामने से, और मैं इसको अगर मान लो 70,000 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल रही है मक्खन एकदम, उस ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है, मिनरल डलवा लिया करो, सिंथेटिक सर्विस सेंटर में 3 गुना महंगा पड़ता है, वो आपको चिपकाएंगे, चिपकवाना नहीं है, थूक नहीं लगवाना उनसे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने दरवाज़ा खोलने वाला काफ़ी बार ये सीन देखा होगा चलो मैं बताता हूँ, प्रमोशनल ऑफर्स चलते रहते हैं सर्विसिंग को लेके, पेड सर्विस स्केड्यूल्ड सर्विस के लिए, कि सर आ जाओ 30% लेबर पे ऑफ है, आपकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग पे 50% डिस्काउंट है, या तो कॉल रिकॉर्ड कर लो, या तो चैट पे स्क्रीनशॉट ले लो, चैट पे बुलवा लो, ऑन कॉल विदाउट एनी प्रूफ मत लो, आप जाओगे
ये लड़कियाँ जो कॉल करती हैं ये खुद तो कस्टमर को बुलाने के चक्कर में ये ऑफ़र दे देती हैं, लेकिन जब वो बिल बनाता है ना, जो बंदा मान लो ऑफिस में बैठा है, वो कहेगा सर कोई ऑफ़र नहीं है, सर इतना ऑफ़र तो नहीं है। मेरे साथ एक बार हो गया था, मैं बोला देखो ये आपका चैट है, इतना ऑफ़र आपने मेरे को बोला हुआ है, अब पीछे मत हटो, अब मत मुकरो। उनको मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा। तो ये प्रूफ लेके जाओ, ये बहुत तगड़ी आपको मैं जो है एक टिप दे रहा हूँ कि हमेशा एक प्रूफ ले लो कि सर देखो आपने बोला था, अब ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो कि आप बेवकूफ़ बनने से बच जाओगे सर्विस सेंटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे जो है आपको पे करने पड़ेंगे, तो आप इनसे बच सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।